स्वागत है ब्रेक के बाद। तो रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है और शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। त्रिवेणी धाम के संत राम ऋजपाल दास ने पूजन कर रवाना की है ये यात्रा। सीधी तस्वीरें आपको वहीं की दिखाएंगे। इस यात्रा में करीब 35 झांकियां शामिल है। राजधानी जयपुर की तस्वीरें जरा देखिएगा। त्रिवेणी धाम के संत राम ऋजपाल दास ने पूजन कर इस यात्रा को रवाना किया और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, श्रद्धालु इसमें शामिल हो रहे हैं और पुलिस के जवान भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा का भी पूरा बंदोबस्त किया गया है। चांदपुल बाजार स्थित रामचंद्र जी मंदिर पहुंचेगी ये शोभा यात्रा। आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है इसे जाने के लिए मेरी सहयोगी तृप्ति जुड़ गई है, उनका रुख करते हैं। तृप्ति, चांदपुल बाजार स्थित रामचंद्र जी मंदिर पहुंचेगी ये शोभा यात्रा और अभी जो मैं तस्वीरें देख पा रही हूं बहुत संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, उम्मीद ये की जा सकती है कि आगे और लोग जुड़ेंगे। जी बिल्कुल पूनम, आप सही कह रही है। रामनवमी पर नगर भ्रमण को ये जी राम जयंती महोत्सव समिति की ओर से ये यात्रा जो है वो निकाली गई है। और आपको बता दें कि सूरज कोल अनाज मंडी से निकली है शोभा यात्रा, रात को 10:30 बजे के करीब रामचंद्र जी मंदिर जो चांदपुर में स्थित है वहाँ पहुँचेगी। उससे पहले इस यात्रा में करीब 35 झांकियाँ जो है वो मौजूद है और आप देख भी रहे होंगे कितनी तादाद में जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं, लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। लोग ये संख्या पूनम आपको यहाँ पे थोड़ी सी कम दिख रही होगी क्योंकि जो भी बड़ी चौपड़ पे जो संख्या दिख रही है वो आधी जो है वो थोड़ी बाजार की तरफ निकल चुकी है। और यात्रा चलिए ठीक है तृप्ति, क्योंकि टेक्निकल फोल्ड की वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं ये बेहद खूबसूरत है, क्योंकि 2 साल का वक्त ऐसी तस्वीरें हमने नहीं देखी है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा, लोग अपने घरों में कैद रहे और कोई भी त्योहार इतनी खुशी से इतने इंजॉय करते हुए नहीं मना पाए, सड़कों पर नहीं निकल पाए। तो ऐसे में इस तरीके की जब झांकी निकलती है, इस तरीके की शोभा यात्रा होती है, तब बेहद खूबसूरत नजारा होता है, आपसी सौहार्द यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि अलग अलग धर्मों के त्योहार मनाए जा रहे हैं और आज रामनवमी है। बहुत ही खूबसूरत झांकी यहाँ पर श्री राम के परिवार की यहाँ पर निकाली जा रही है और इस यात्रा में करीब 35 कुल झांकियां हैं। अलग अलग तरीके से कारीगरों ने उसे सजाया है और बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं जो कि इस झांकी के साथ साथ चल रहे हैं। जरा देखिए इन 2 तस्वीरों से हम आपको ये पूरी झांकी दिखा रहे हैं। रामनवमी पर ये शोभा यात्रा है। त्रिवेणी धाम के संत राम ऋजपाल दास ने पहले पूजन किया, उसके बाद इस यात्रा को रवाना किया। आगे आगे कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हुए चल रहे हैं, क्योंकि कलाकारों ने हमारी राजस्थान की संस्कृति को आज भी जिंदा रखा है और ऐसे में कोई कार्यक्रम हो और ऐसी छाप न नजर आई ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। इस यात्रा में करीब 35 झांकियां शामिल है। जरा देखिए कितना खूबसूरत नजारा यहां पर नजर आ रहा है। चांदपुल बाजार स्थित रामचंद्र जी मंदिर पहुंचेगी शोभा यात्रा और वहां पर भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। जिनका रूट इस तरफ से नहीं था, जो यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, वो चांदपोल बाजार स्थित रामचंद्र जी मंदिर पहुंचे हैं और वहां पर थूक लगाएंगे, वहां पर उन झांकियों का इंतजार कर पाएंगे। जरा देखिए इन 2 तस्वीरों में, एक तस्वीर में आपको नाचते गाते श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं। कितना जोश युवाओं में नजर आ रहा है, बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर शिरकत कर रही हैं। त्रिवेणी धाम के संत राम ऋजपाल दास ने पूजा अर्चना की, उसके बाद इस यात्रा को रवाना किया। तो ये तस्वीरें राजधानी जयपुर की ओल्ड सिटी से दिखा रहे हैं और यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, रामनवमी पर झांकी निकाली जा रही है। 8 दिन नवरात्रे रखे गए और आज 9वां दिन रामनवमी के तौर पर मनाया जाता है और ऐसे में बेहद खास हो जाता है ये त्योहार, क्योंकि आखिरी दिन चैत्र नवरात्रे और पूजा अर्चना के बाद कल अष्टमी थी और कन्या पूजन किया गया था, आज रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हैं, इस झांकी में शामिल हो रहे हैं। जय श्री राम के नारे यहां पर गूंज रहे हैं और बेहद खूबसूरत झांकियां यहां 1, 2, 3, 4, 5 झांकियां नहीं, कुल 35 झांकियां हैं और इन 35 झांकियों में आप अलग अलग कलाकारों को देख पा रहे हैं। कितने खूबसूरत तरीके से इन कलाकारों ने इन प्रस्तुतियों को रखा है, इन झांकियों को सजाया है और आगे आगे कलाकार डांस नाच गाना करते हुए चल रहे हैं। दूर दूर से संत यहां पर पहुंचे हैं और इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बेहद खूबसूरत नजारा आज राजधानी जयपुर से। और कहते हैं कि कोई भी त्योहार हो
राजधानी जयपुर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो आज छोटी काशी में रामनवमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। फर्स्ट इंडिया के तमाम दर्शक जो कि इस शोभा यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अब वो ये सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे यहाँ शामिल हुआ जाए, शिरकत की जाए, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो हम आपको ये जानकारी दे दें कि ये जो ये शोभा यात्रा निकली है, ये त्रिवेणी धाम के संत राम रिजवाल दास ने पूजा अर्चना करके इसको रवानगी इसको दे दी है और 35 झांकियां इसमें शामिल है। आप अभी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आप चांदपोल बाजार स्थित रामचंद्र जी मंदिर पहुंच सकते हैं क्योंकि ये शोभा यात्रा यहां पहुंचेगी और रामनवमी पर आप श्री राम के दर्शन कर सकते हैं, कुल 35 झांकियों के दर्शन कर सकते हैं और इसमें शिरकत कर सकते हैं। चलिए आगे।